Hey everyone, welcome to my channel Flaws. In this presentation, we're going to talk about the Court Fees Act 1870. We'll be dealing with some important sections and MCQs. Now, before I proceed towards the important sections, let me just give you the layout of this act. So first of all, what is the enforcement date of this act? When did this act came into force? It came into force on 1st of April 1870. Total number of sections, 36. Total number of chapters, 6. And total number of schedules, 3. Now, before starting the important sections, let me just tell you the titles of each and every chapter, because it is very important with perspective of your examination. In examination, they usually ask that chapter 2 deals with what, chapter 3 deals with what. So it's really important for you that you retain the titles of the chapter. So chapter 1 talks about preliminary. Chapter 2 talks about fees in the high courts and in the courts of small causes at the presidency towns. Chapter 3, fees in other courts and in public offices. Chapter 3A, probates, letter of administration and certificates of administration. Chapter 4, process fees. Chapter 5, of the mode of levying fees. And chapter 6, miscellaneous. So there are total 6 chapters. Now let us start with important sections. So first section that is important is section 1, which talks about short title, extent and commencement. Now short title, the short title of this act is the Court Fees Act 1870. Extent, it extends to whole of India except the territories which were included in Part B states before 1st November 1956. And the commencement date is it shall come into force on 1st April 1870. तो शॉर्ट टाइटल कोर्ट फीस एक्ट है और इसकी कॉमेंसमेंट डेट है 1st April 1870, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रिटेन करना. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 1A, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करता है. नाउ व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो जिस भी ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अगर वो ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट पे एम्प्लॉयड है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 1B, डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम. ये आपको छत्तीसगढ़ के अमेंडमेंट में मिलेगा. तो ये बात करता है आपका डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के बारे में, और इसमें बोला गया है मेमोरेंडम ऑफ अपील इज गोइंग टू इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन. तो कहीं पर भी अगर सूट वर्ड यूज हो रहा है इस पूरे एक्ट में, तो छत्तीसगढ़ के परस्पेक्टिव में सूट शैल इंक्लूड अपील एंड डिक्री. तो दोनों चीजें इंक्लूड करेगा सूट वर्ड अगर कहीं पर भी यूज हो रहा है छत्तीसगढ़ के परस्पेक्टिव में. ओके, नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 4. सेक्शन 4 बात करता है फीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एक्सेट्रा इन हाई कोर्ट्स इन देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन. तो इसमें बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट में फाइल किए जा रहे हैं उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर उसके अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में, या रेफरेंस या रिविजन के ज्यूरिसडिक्शन में, तो फीस वही पे करी जाएगी जो कि आपके स्केड्यूल में दे रखी है इस पर्टिकुलर एक्ट के. और क्या फीस दे रखी है, वी विल बी डीलिंग व्हाइल वी विल बी गोइंग थ्रू द स्केड्यूल्स. नेक्स्ट सेक्शन 5 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फीस. तो सेक्शन 5 बोलता है कि अगर कोई डिफरेंस अराइज हो जाता है उन ऑफिसर के बीच में, एक वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है फीस को देखना कि फीस पे हुई है इस चैप्टर के अंदर कि नहीं, और सूटर या अटॉर्नी जिनकी नेसेसिटी है फीस को पे करना, अगर इनके बीच में कुछ भी डिफरेंस हो जाता है और ये डिफरेंस हाईकोर्ट के सामने अपीयर होता है, तो ये रेफर कर दिया जाएगा टैक्सिंग ऑफिसर को जिसका डिसीजन फाइनल होगा. अगर कोई ऐसा केस है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का केस है, तो वहां पर फाइनल डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट का होगा. एंड अगर वो चाहें तो वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं या फिर किसी और जज को अपॉइंट कर सकते हैं. अगर ये डिफरेंस कोई ऐसे कोर्ट में अराइज हो रहा है जो कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस है, तो वहां पर ये मैटर रेफर कर दिया जाएगा उस कोर्ट के क्लर्क को. अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है, तो मैटर रेफर कर दिया जाएगा फॉर फाइनल डिसीजन ऑफ द फर्स्ट जज ऑफ सच कोर्ट. जो यहाँ पर टैक्सिंग ऑफिसर को रेफर किया जाएगा, उन टैक्सिंग ऑफिसर को डिक्लेयर कौन करेगा? उनको डिक्लेयर करेंगे उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस. सो दिस इज सेक्शन 5. और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भी टैक्सिंग ऑफिसर का डिसीजन होता है, और अगर आपका ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस से रिलेटेड है, तो जो भी क्लर्क का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, एक्सेप्ट वो केसेस जहां पर वो जनरल इंपॉर्टेंस के केसेस हो, तो फाइनल होता है. इसी वजह से कोई भी अपील मेंटेनेबल नहीं होती है जो भी ऑर्डर टैक्सिंग ऑफिसर या क्लर्क पारित करते हैं इसके अंदर. और ये बात आपकी सत्यपा चेतियार वर्सेस रामनाथन चेतियार में AIR 1958 में हेल्ड किया गया था. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 6,
जो कि बात करता है फीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड एक्सेट्रा इन मोफिसल कोर्ट्स और इन पब्लिक ऑफिसेस. तो यहां पर बोला गया है कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक फाइल एग्जिबिट या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक जो भी स्केड्यूल्स में कोर्ट फीस दे रखी है वो पे ना हो जाए. सो दिस इज सेक्शन 6. नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज सेक्शन 7 जो कि आपकी बात करता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ फीस की. कि कुछ सूट में जो फीस पे होगी तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे कम्यूट किया जाएगा. तो फर्स्ट लेट मी टेल यू, फीस दो तरीके की होती है कोर्ट फीस. एक होती है एड वॉलरम, दूसरी होती है आपकी टेंटेटिव वैल्यूएशन. अब एड वॉलरम होती है जब कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द सूट पे करी जाती है, और टेंटेटिव वैल्यूएशन होती है जब किसी सूट की वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होती है तो वहां पर उसकी टेंटेटिव वैल्यूएशन करी जाती है. सो लेट अस गो थ्रू सेक्शन 7 नाउ. सेक्शन 7 में बहुत सारे बाइफिकेशंस हैं कि अगर इन पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड अगर सूट है तो कैसे कोर्ट फीस कैलकुलेट होगी. तो सबसे पहले अगर कोई मनी सूट है तो कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट होगी. कोर्ट फीस कैलकुलेट होगी आपकी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम. जो भी अमाउंट क्लेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी जाएगी, और वो अमाउंट आपका डैमेजेस का अमाउंट भी इंक्लूड करेगा, कॉम्पनसेशन भी, मेंटेनेंस एनुइटी के एरियर्स भी इंक्लूड करेगा जो पीरियोडिकली पे करे जा रहे हैं. तो उन अमाउंट को इंक्लूड करने के बाद जो भी अमाउंट क्लेम किया गया है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस डिसाइड होगी अगर मनी सूट है. मेंटेनेंस या एनुइटी का सूट है तो 10 times ऑफ द अमाउंट जो भी एक साल में पेएबल है उसका 10 times. प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट. कितना मेंटेनेंस और एनुइटी में पे किया जाता है? 10 times. 10 times किसका? जो भी एक साल में पेएबल अमाउंट उसका 10 times. नेक्स्ट है फॉर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू. अब कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू है तो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से अमाउंट पे किया जाएगा. अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है तो वहां पर जैसे टाइटल्स रिलेटेड कभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी अगर मार्केट वैल्यू नहीं है, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसका जिसमें राइट टू शेयर है, कोई ऐसी डिक्लेरेटरी डिक्री है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ है, कोई इंजंक्शन से रिलेटेड सूट है, कोई ईजमेंट से रिलेटेड सूट है, कोई अकाउंट से रिलेटेड सूट है, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों में जो अमाउंट जिस अमाउंट की रिलीफ मांगी जा रही है प्लेंट या मेमोरेंडम ऑफ अपील में उतनी कोर्ट फीस उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस फाइल करी जाएगी, सबमिट करी जाएगी. और यहाँ पर प्लेंटिव जो है वो स्टेट करता है अमाउंट एट विच ही वैल्यूज इज रिलीफ. कि प्लेंटिव ही रिलीफ मांग रहा है तो जितनी रिलीफ वो डिमांड कर रहा है, जितनी टेंटेटिव वैल्यूएशन वो दे रहा है अपनी रिलीफ की, उस अमाउंट की कोर्ट फीस इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे पे करी जाएगी. नेक्स्ट है आपका पोजेशन ऑफ लैंड हाउसेज एंड गार्डन्स. तो अगर लैंड हाउसेज एंड गार्डन्स की बात करें तो वहां पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर कोर्ट फीस पे करी जाएगी. अगर वो सब्जेक्ट मैटर लैंड है और वो पूरी इंटायर एस्टेट लैंड की है और एनुअल रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, और वो रेवेन्यू अगर परमानेंटली सेटल्ड है तो 10 times द रेवेन्यू पेएबल, और अगर वो रेवेन्यू परमानेंटली सेटल्ड नहीं है तो 5 times द रेवेन्यू पेएबल. उसके बाद अगर वो लैंड ऐसा है कि वहां पर कोई रेवेन्यू पे ही नहीं करी जा रही है तो 15 times सच नेट प्रॉफिट. अगर वो नेट प्रॉफिट कोई अराइज ही नहीं हो रहा है तो अमाउंट एट विच कोर्ट एस्टिमेट करेगा लैंड उस वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस पे करी जाएगी. अगर लैंड कोई ऐसी स्टेट का पार्ट है जो कि रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे कर रही है पर वो सेपरेटली असेस नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर लैंड की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फीस डिसाइड करी जाएगी. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रीएम्पशन से रिलेटेड. कि अगर कोई प्रीएम्पशन की राइट की इन्फोर्समेंट की बात है तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द लैंड हाउस और गार्डन जिसके रिस्पेक्ट में वो राइट क्लेम करी जा रही है. ये तो जनरल बात हो गई प्रीएम्पशन के बारे में. प्रीएम्पशन में एक छत्तीसगढ़ की अमेंडमेंट है और उसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो भी स्पेसिफाइड है डॉक्यूमेंट में जो कि उस पर्टिकुलर क्लेम के बारे में बात कर रहा है, और वेयर जहां पर प्लेंटिव क्लेम कर रहा है प्रीएम्पशन के बारे में एक फेयर कंसिडरेशन अमाउंट के बारे में, तो जो भी उस प्लेंट में सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है उसकी उतनी कोर्ट फीस आपको पे करनी होगी. अगर सब्जेक्ट मैटर जो डिटरमाइन कर रहा है कोर्ट वो एक्सीड कर रहा है उस वैल्यू से जो कि प्लेंट में मेंशन है तो डिक्री तब तक एग्जीक्यूट नहीं करी जाएगी जब तक जो डिफरेंस है बिटवीन द फीस एक्चुअली पेड और जितना फीस पे करनी चाहिए थी वो जब तक पे ना हो जाए. तो ये छत्तीसगढ़ की अमेंडमेंट है. नेक्स्ट यू हैव वन मोर अमेंडमेंट जो कि आपकी बात करता है पार्टीशन के बारे में, और ये भी स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की अमेंडमेंट है. यहाँ पे बोला गया है कि अगर पार्टीशन के सूट हैं
तो अकॉर्डिंग टू वन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्लेंटिव, जो प्लेंटिव का शेयर है प्रॉपर्टी में, उसकी हाफ वैल्यू की कोर्ट फीस पे करनी होगी. दूसरा, अकॉर्डिंग टू द फुल वैल्यू ऑफ अ शेयर इफ ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेन द प्लेंटिव इज आउट ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट करी जा रही है, अगर उस दिन प्लेंटिव के पास पोजेशन नहीं है प्रॉपर्टी की, तो उस पूरी प्रॉपर्टी, उस पूरे शेयर का फुल वैल्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस पे करी जाएगी. सो दिस इज छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट. एंड नेक्स्ट इज कोई असाइनी या लैंड रेवेन्यू का, अगर कोई असाइनी का इंटरेस्ट है और उसको कोर्ट फीस पे करनी है, तो 15 टाइम्स नेट प्रॉफिट जो भी नेक्स्ट ईयर में पेबल होंगे बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ द प्लेंट, उस पर कोर्ट फीस दी जाएगी. टू सेट असाइड एन अटैचमेंट, अगर इससे रिलेटेड है, तो जो भी अमाउंट के लिए अटैच हुआ था, उस अमाउंट की वैल्यूएशन की कोर्ट फीस होगी. अगर वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है द वैल्यू ऑफ लैंड या फिर इंटरेस्ट, तो अमाउंट ऑफ फीस जो भी कम्प्यूट, कैसे कम्यूट करी जाएगी, एज इफ जो लैंड था वो उसकी पोजेशन में था, इसको मानते हुए कम्यूट करी जाएगी. फिर अगर रिडेम्पशन का सूट है या फोरक्लोजर का सूट है, तो प्रिंसिपल मनी जो भी था उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगी. अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सूट है, तो जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है उसके हिसाब से वैल्यूएशन. अगर मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अमाउंट अग्रीड टू बी सिक्योर्ड, उसका वैल्यूएशन. लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी प्रीमियम या जो भी अमाउंट ऑफ फाइन अग्री किया गया है टेनेंट के द्वारा ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज टेनेंसी, उस पर वैल्यूएशन होगी. अगर कोई आर्बिट्रल अवार्ड है, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसकी जो वैल्यू है, उसके हिसाब से कोर्ट फीस पे करनी होगी. अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई बात है, मान लीजिए टेनेंट को डिलीवरी देनी है अपने लीज के काउंटर पार्ट की, या फिर टेनेंट की रेंट बढ़नी है, या फिर लैंडलॉर्ड जो है उन्हें डिलीवरी देनी है अकोमोडेशन की टेनेंट को, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर होनी है टेनेंट से, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी कोर्ट फीस होगी, ये होगी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि नेक्स्ट ईयर पे करी जाएगी प्लेंट को प्रेजेंट करने के पहले. तो अमाउंट ऑफ द रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अगले साल पे करी जाएगी. तो ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच की बात है. अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो जितनी भी रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर पे करी जाएगी प्लेंट प्रेजेंट करने के पहले, उस पर वैल्यूएशन होगी कोर्ट फीस की. नाउ ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, एक एक चीज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे, तो दे स्पेसिफिकली आस्क यू कि अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो कितनी कोर्ट फीस, कैसे कोर्ट फीस कम्यूट होगी. जॉइंट फैमिली से रिलेटेड है, तो कैसे कोर्ट फीस कम्यूट होगी. तो एक एक चीज आपको इसमें याद रखनी है. यू नीड टू रियली रिमेंबर एंड बी थॉरो विथ ईच एंड एवरी थिंग विच हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 8. सेक्शन 8 बात करता है फी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन. तो यहां पर बोला गया है कि अगर कोई कॉम्पनसेशन से रिलेटेड ऑर्डर है, तो और वहां पर कोई ऐसा लैंड है जो कि पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर किया गया है, तो कैसे कोर्ट फीस कम्यूट करी जाएगी. कोर्ट फीस कम्यूट करी जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अवॉर्डेड एंड द अमाउंट क्लेम्ड बाय द प्लेंटिव. तो अपीलेंट ने जितना अमाउंट अपील में क्लेम किया और जितना उसे अवार्ड किया गया, इसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना, उस पे कोर्ट फीस कम्यूट करी जाएगी सेक्शन 8 में. ओके, नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 9 जो कि बात करता है पावर टू असर्टन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू. तो यहां पर बोला गया है कि अगर कोर्ट को लगता है कि एनुअल नेट प्रॉफिट या फिर कोई लैंड की मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेट कर ली गई है, तो कोर्ट कमीशन इशू करेगा, किसी प्रॉपर पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि वो लोकल या अदर इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट को रिपोर्ट दे उस रिस्पेक्ट में. दिस इज सेक्शन 9. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 10, प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड. अब क्या आगे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, तो जब इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा और उसमें देखा जाएगा कि रॉन्गली एस्टिमेट हो गई थी कोर्ट, वो नेट प्रॉफिट या मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेट हो गया था, अगर वो एस्टिमेशन ज्यादा थी, इफ एस्टिमेशन वॉज एक्सेसिव, तो वहां पर एक्सेस जो भी था उसको रिफंड कर दिया जाएगा. लेकिन अगर वो एस्टिमेशन इनसफिशिएंट थी, तो वहां पर कोर्ट प्लेंटिव से बोलेगा कि अडिशनल फीस पे करे वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू या नेट प्रॉफिट्स
राइटली एस्टिमेटेड उसके हिसाब से वो पे करें. ऐसी कंडीशंस में सूट जो है वो स्टे कर दिया जाएगा जब तक एडिशनल फीस प्लेंटिव द्वारा पे नहीं करी जाती. अगर विद इन टाइम एडिशनल फीस पे नहीं करी जाती तो सूट डिसमिस कर दिया जाएगा. सो दिस इज सेक्शन 10. नेक्स्ट सेक्शन 11 बात करता है प्रोसीजर इन सूट फॉर मेसने प्रॉफिट्स और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड्स अमाउंट क्लेम्ड. तो यहां पर बोला है कि अगर कोई मेसने प्रॉफिट का सूट है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है या कोई अकाउंट का सूट है और अगर प्रॉफिट या अमाउंट जो भी डिक्री किया गया है वो एक्सीज में है जो भी प्रॉफिट क्लेम किया गया था, मतलब जो डिक्रीटल अमाउंट है वो एक्सीज में है और जो अमाउंट क्लेम किया गया था वो कम था और जो दिया गया है वो ज्यादा है, तो डिक्री तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक जो डिफरेंस है इन दोनों में उसकी कोर्ट फीस पे ना कर दी जाए. अगर अमाउंट ऑफ मेसने प्रॉफिट छोड़ दिया गया कि उसे एसर्टन किया जाएगा एग्जीक्यूशन के दौरान, जब डिक्री एग्जीक्यूट करी जाएगी तब मेसने प्रॉफिट को एसर्टन किया जाएगा, तो जब एग्जीक्यूशन हो रहा है और फिर मेसने प्रॉफिट अगर एसर्टन किया जाता है और वो प्रॉफिट को एक्सीड करता है वहां पे, तो तब तक एग्जीक्यूट नहीं करी जाएगी डिक्री जब तक डिफरेंस नहीं पे कर देता प्लेंटिफ. ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 11. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 12. सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन. अब यहां पर बोला गया है हर एक क्वेश्चन जो कि वैल्यूएशन से रिलेटेड है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस, अगर वो प्लेंट या मेमोरेंडम ऑफ अपील किसी से भी रिलेटेड है उसको कौन डिसाइड करेगा, तो उसे डिसाइड करेगा कोर्ट जहां पर प्लेंट या मेमोरेंडम फाइल करी गई है, वही कोर्ट डिसाइड करेगा और उसी कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा. दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन रॉन्गली डिसाइड हो जाता है, कोई भी सूट मान लीजिए कोई भी सूट है जो कोर्ट के सामने आता है, कोर्ट ऑफ अपील के सामने आए या रेफरेंस के सामने आए या कोर्ट ऑफ रिविजन के सामने आए, और अगर वो कोर्ट उस सेट क्वेश्चन को रॉन्गली डिसाइड कर देते हैं तो इट शैल रिक्वायर द पार्टी बाय हुम सच फीस हैज बीन पेड टू पे सो मच एडिशनल फीस एज वुड हैव बीन पेबल हैड द क्वेश्चन बीन राइटली डिसाइडेड. ठीक है, तो उस पार्टी को कितना पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट पे करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन राइटली डिसाइड होता तो जो भी अमाउंट उसे पे करना पड़ता वो पार्टी को यहाँ पर पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 13 जो कि आपकी बात करता है रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई अपील है, कोई प्लेंट है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है लोअर कोर्ट द्वारा, कोई भी ग्राउंड जो आपके सीपीसी के ऑर्डर ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन्ड है, उन ग्राउंड्स पे अगर रिजेक्ट कर दी जाती है प्लेंट, तो वहां पर या फिर अपील में अगर सूट रिमांड कर दिया जाता है तो वहां पर अपेलेट कोर्ट क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा अपेलेंट को और उसको ऑथराइज किया जाएगा कि कलेक्टर से जाके अपेलेंट जो भी उसने फीस पे करी है अपील में वो उसको वापस ले ले. अब दूसरी चीज है रिमांड में अगर दिया जाता है केस, तो ऑर्डर ऑफ रिमांड अगर मान लीजिए वो पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर नहीं कर रहा है तो जो भी सर्टिफिकेट उसे ग्रांट किया गया अपीलेंट को वो ऑथराइज उसको करेगा उतना ही पार्ट जितना वो ओरिजिनली उसके बारे में पे करता. सो दिस इज सेक्शन 13. नेक्स्ट सेक्शन 14 रिफंड ऑफ फीस ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट. अब यहां पर बोला गया है कि कोई अगर रिव्यू की जजमेंट की रिव्यू की एप्लीकेशन थी अगर वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करी गई है और ये प्रेजेंट कब करी गई है, डिक्री की डेट के 90th डे के बाद या उस दिन जब पे करी गई है, अनलेस द डिले इज ड्यू टू सम सफिशिएंट रीजन, तो वहां पर अगेन प्लेंटिफ को अपेलेंट को सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा कि वो कलेक्टर से जाके जो भी एक्सेस फीस है उसको रिफंड करा ले. ये 90th डे वाला जो प्रावधान है ये जनरल है, अगर आप छत्तीसगढ़ अमेंडमेंट देखेंगे तो ये 30th डे है. ठीक है, तो ये 30th डे के अंदर हो जाना चाहिए, जब रिव्यू की एप्लीकेशन अगर 30th डे के तक पेश हो जाती है तो ये एप्लीकेबल होगा छत्तीसगढ़ में. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 15 जो कि बात करता है रिफंड वेयर कोर्ट रिवर्सेस और मॉडिफाइज इट्स फॉर्मर डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक. तो अगर कोर्ट के सामने कोई एप्लीकेशन गई, कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया, उसके बाद उसने कोई अपना पुराना डिसीजन रिवर्स या मॉडिफाई कर दिया ऑन द ग्राउंड की पहले जो डिसीजन लिया गया था वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ थी उसमें, तो एप्लीकेंट एंटाइटल्ड होगा कि उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए कोर्ट द्वारा और कोर्ट उसे ऑथराइज करे कि वो कलेक्टर से वापस रिसीव कर ले वो सारी फीस जो भी इन एक्सेस उसने पे करी थी.
नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 16, रिफंड ऑफ फीस. ये पहले रिपील कर दिया गया था सेक्शन 16 आपका 1908 में, उसके बाद 1999 में फिर से इसको इंसर्ट कर दिया गया. ये सेक्शन बात करता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, और यहाँ पर बोला गया है जब कोर्ट पार्टीज को रेफर कर देती हैं कि आप अपना सूट जो है वो दूसरे सेक्शन 89 में जो भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है उनसे जाके सॉल्व करवा लीजिए, तो वहां पर प्लेंटिव एंटाइटल्ड हो जाता है कि कोर्ट उसको एक सर्टिफिकेट दे और उसको ऑथोराइज करे कि कलेक्टर से जो भी उसने फीस पे करी है वो उसको उसकी कोर्ट फीस रिफंड कर दी जाए. और यहां पर ये सारे काम कर कौन रहा है? रिफंड एक्चुअली कर कौन रहा है कोर्ट के डायरेक्शन पे? तो एक कलेक्टर कर रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस, कलेक्टर इज गोइंग टू डू दैट. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 17 जो कि मल्टीफेरियस सूट्स की बात करता है. जब एक कोई सूट है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो जो भी प्लेन या मेमोरेंडम ऑफ अपील है उसके ऊपर कोर्ट फीस कितनी होगी? एग्रीगेट अमाउंट की कोर्ट फीस होगी. ओके, सो दिस इज सेक्शन 17. नेक्स्ट सेक्शन 19. सेक्शन 19 बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. अब कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपको कोर्ट फीस नहीं पे करनी होती है. अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? तो बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है यहाँ पे, सो आई बी टेलिंग यू इन शॉर्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं. पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि एग्जीक्यूट करी गई है किसी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर के द्वारा जो कि सिविल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं है. अगर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी इंस्टीट्यूट करी है तो उस पर कोर्ट फीस पे नहीं करनी होगी. कोई भी रिटन स्टेटमेंट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, कोई भी प्लेंट इन सूट्स जो कि ट्राई करे जा रहे हैं विलेज मुंसिप्स के द्वारा इन प्रेसिडेंसी ऑफ सेंट फोर्ट जॉर्ज, कोई भी प्लेंट या प्रोसेसेस इन सूट्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कोई भी प्लेंट इन सूट बिफोर कलेक्टर्स, कोई भी प्रोबेट ऑफ विल या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ग्रांट किया गया है एंड इट डज नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज, एप्लीकेशन और पेटिशन टू अ कलेक्टर और अदर ऑफिसर मेकिंग अ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सप्लाई फॉर इरीगेशन ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टिवेशन और टू रिलिंक्विश लैंड, एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, कोई भी रिटन अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेन, कोई भी बेल बॉन्ड्स इन क्रिमिनल केसेस, कोई पेटिशन एप्लीकेशन चार्ज या इन्फॉर्मेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड जब वो प्रेजेंट किया जाता है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर हेड ऑफ विलेजेस के सामने, कोई भी पेटिशन प्रिजनर द्वारा अदर दैन इन ड्यूरस और अंडर रेस्ट्रेंट ऑफ एनी कोर्ट और इट्स ऑफिसर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 17th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेटिशन बाय अ प्रिजनर और अदर पर्सन. तो अगर प्रिजनर कोई पेटिशन प्रेजेंट कर रहा है अदर दैन अ पर्सन जो कि ड्यूरस में हो तो उसके पर कोर्ट फीस नहीं लगती है. नेक्स्ट, कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट, पेटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द चौकीदारी असेसमेंट, एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन अंडर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस, पेटिशन प्रेजेंटेड टू द स्पेशल कमिश्नर और कोई भी पेटिशन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर. सो ये आपकी पूरी लिस्ट है जहां पर आपके 24 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसके ऊपर आपको कोर्ट फीस पे नहीं करनी होती. सेक्शन 19 क्या बात करता है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. सेक्शन 19 बात करता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनके ऊपर कोर्ट फीस एग्जेम्प्टेड है. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा. ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं 19A पे. 19A बात करता है रिलीफ वेयर टू हाई अ कोर्ट फीस हैज बीन पेड, जहां पर कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी गई है तो वहां पर क्या होगा? जहां पर कोई पर्सन जो कि प्रोबेट ऑफ विल के लिए अप्लाई कर रहा था या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था और उसने डिसीज की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा वैल्यू की असेस हो गई और बाद में पता चला वो तो बहुत कम वैल्यू की थी और इसी वजह से कोर्ट फीस भी ज्यादा पे कर दी गई, तो अगर 6 महीने के अंदर जब ट्रू वैल्यू प्रॉपर्टी की सर्टन हो जाती है उसके अगर 6 महीने के अंदर वो पर्सन प्रोबेट या लेटर्स प्रोड्यूस कर दे चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने, उस चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने जहां पर वो पर्टिकुलर प्रोबेट या लेटर्स ग्रांट किए जाते हैं वहां पर अगर वो पेश कर दे तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो जाके उसको डिलीवर कर रहा है और एफिडेविट द्वारा ये कंफर्म कर रहा है वैल्यूएशन और अगर वो अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ग्रेटर वैल्यू पे हो गई है तो उस अथॉरिटी के पास 3 ऑप्शन होते हैं. या तो वो कैंसिल कर देगी स्टैम्प जो भी प्रोबेट उस पर लगाए अगर वो ऑलरेडी कैंसिल नहीं होगा, दूसरा वो काम करेगी उस स्टैम्प को सब्स्टिट्यूट कर देगी दूसरे से फॉर डिनोटिंग द कोर्ट फीस, तीसरा वो अलाउंस जारी करेगी वो जो भी डिफरेंस इन अमाउंट था वो उसको रीपे करा जाएगा प्लेंटिफ को. सो दिस इज 19A. नेक्स्ट
इम्पॉर्टेंट सेक्शन 19E. 19E बात करता है कि जहां पर आपने कोर्ट फीस कम पे करी है, तो जहां पर कोई भी पर्सन प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने डिसीज की प्रॉपर्टी को कम वैल्यूएट किया है जबकि वो ज्यादा की थी और इन कॉन्सिक्वेंस उसने कम कोर्ट फीस पे कर दी है, तो वहां पर वो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी जिस लोकल एरिया में उसको प्रोबेट या लेटर्स ग्रांट करे गए हैं वहां पर जाएगा और उसके बाद एफिडेविट या एफॉर्मेशन से वो वहां पर असर्टन कर दे कि कोर्ट फीस कम पे करी गई है तो और ओरिजिनली इतनी वैल्यूएशन है और इतनी कम पे करी गई है, उसके ऊपर कुछ फर्दर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर उसने एक साल के अंदर ये वो बात बता देता है कि उसने कोर्ट फीस कम पे करी है, वो पे करने पहुंच जाता है तो उसके ऊपर 5 times लगेगी पेनल्टी. अगर वो 5 साल एक साल के बाद अगर बताता है तो उसके ऊपर 20 times लगेगी प्रॉपर कोर्ट फीस की पेनल्टी. तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर आपने कोर्ट फीस कम पे करी है, एक साल के अंदर अगर आप बता देते हैं ये बात, जैसे आपको पता चलता है कि वैल्यूएशन तो प्रॉपर्टी की ज्यादा थी और आपने तो कमी दिखाई इस वजह से कोर्ट फीस आपने कम पे करी, अगर आप ये एक साल के अंदर बता देते जब आपको ये बात पता चली तो जो भी एक्चुअल कोर्ट फीस है उसका 5 times आपको पे करना होगा. लेकिन अगर आप एक साल के बाद ये बात बताते हैं तो आपको जो भी एक्चुअल कोर्ट फीस है उसका 20 times पे करना होगा. ठीक है, सो दिस इज 19E. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 20 जो कि बात करता है आपकी रूल्स के बारे में कि प्रोसेसेस के कॉस्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स है उन्हें कौन बनाएगा. तो उन्हें हाईकोर्ट बनाएगा. टाइम से टाइम हाईकोर्ट ऑल्टर कर सकता है, रूल्स को ऐड कर सकता है. उसके बाद वो जो भी रूल्स ऑल्टरेशंस होंगी वो शैल लिखा हुआ है इस सेक्शन में, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगी. जब स्टेट गवर्नमेंट उसको कन्फर्म करेगी फिर उसको पब्लिश करेगी. तो हाईकोर्ट इन कॉन्सनेंस विद स्टेट गवर्नमेंट, तो ये याद रखिएगा. वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट रूल बनाएगा पर कन्फर्म कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्म करती है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 21 टेबल ऑफ प्रोसेस फीस. अब टेबल ऑफ प्रोसेस फीस में दे रखा है कि एक टेबल है, वो इंग्लिश या वर्नाकुनल लैंग्वेज होगी कोई भी, वो हर कोर्ट के कॉन्सिपिटस पार्ट में लगाई जाएगी और उसमें लिखा जाएगा इस सर्विस इस एग्जीक्यूशन के लिए इतनी कोर्ट फीस पे करी जाएगी, इतनी फीस चार्जेबल है. सो दिस इज सेक्शन 21. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 22 नंबर ऑफ पीएंस की बात करी गई और बोला गया है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स जो भी हाईकोर्ट बनाता है और उसको अप्रूव करती है स्टेट गवर्नमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट जज और हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिक्स करेगा टाइम से टाइम नंबर ऑफ पीएंस इंप्लॉय करे जाएंगे कोर्ट में. ओके, सो ये लोग फिक्स करते हैं. सो दिस इज सेक्शन 22. एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर स्मॉल कॉजेस से रिलेटेड पीएंस हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के सबॉर्डिनेट वो कोर्ट होगा और डिस्ट्रिक्ट जज वहां पर फिक्स करेंगे. नेक्स्ट यू हैव रेवेन्यू कोर्ट्स के पीएन की बात करी गई है सेक्शन 23 में. तो यहां पर बोला गया है कि सब्जेक्ट टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, हर एक ऑफिसर जो कि कलेक्टर के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में वो टाइम से टाइम रेवेन्यू कोर्ट्स में पीएनस को के नंबर को फिक्स करेगा. तो रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन फिक्स करेगा, कलेक्टर फिक्स करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25. जो भी फीस यहां पर कलेक्ट करी जा रही है इस एक्ट के अंदर, जो भी फीस चार्जेबल है उसे स्टैम्प्स के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा. कैसे कलेक्ट किया जाएगा, स्टैम्प्स के द्वारा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस सेक्शन बाय हार्ट. नेक्स्ट सेक्शन 26. सेक्शन 26 बात करता है स्टैम्प्स टू बी इंप्रेस्ड और एडहेसिव. जो भी स्टैम्प्स हैं वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पहली बात तो पहली चीज की जो भी स्टैम्प्स हैं वो आपके इंप्रेस्ड होंगे और एडहेसिव होंगे या पार्टली इंप्रेस्ड और पार्टली एडहेसिव भी हो सकते हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट टाइम से टाइम डायरेक्ट करे. तो स्टेट गवर्नमेंट सारे डायरेक्शंस देती है यहाँ पे. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 27. सेक्शन 27 आपकी बात करता है रूल फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ स्टैम्प्स. तो यहां पर बोला गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स बनाएगी. तो यहाँ पे सेक्शन 28 बात करता है स्टैम्पिंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवर्टेंटली रिसीव्ड. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और अगर उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा. लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेता है कोर्ट और मिस्टेकिंगली उसको एडमिट कर लेता है और उसमें प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में उस डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करवाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा एज इफ इट हैज़ बिकम वैलिड. सो दिस इज सेक्शन 28. नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 28A जो कि केवल छत्तीसगढ़ पे लागू होता है, रिकवरी ऑफ डेफिशिट और अनपेड कोर्ट फीस. तो यहां पर बोला
दिया गया है कि जब कोई एग्जामिनेशन हो रही होती है किसी सिविल क्रिमिनल या रेवेन्यू केस की और कोई पब्लिक ऑफिसर को पता चलता है कि वहां पर जो फीस पे करी गई है किसी डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में या तो वो पे नहीं करी गई है और अगर पे करी गई है तो कम पे करी गई है, तो वो इस फैक्ट को रिपोर्ट करेगा उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग प्रोविजनल फाइंडिंग रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद अमाउंट डिटरमाइन करेंगे उस पर्टिकुलर फीस का। उस फाइंडिंग को रिकॉर्ड करने के बाद वो उस पर्सन को नोटिस भेजेंगे जिसने कम फीस पे करी है या तो फीस पे नहीं करी है, और अगर वो पर्सन सफिशिएंट कॉज नहीं दिखा पाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी फाइंडिंग को कंफर्म कर देंगे और ऑर्डर पारित कर देंगे, टाइम इशू करेंगे कि इस टाइम के दौरान वो पर्सन वो अमाउंट पे कर दे। अगर वो पर्सन उस टाइम के दौरान अमाउंट पे नहीं करता है तो उससे वो अमाउंट एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूल कर लिया जाएगा। सो दिस इज सेक्शन 28A। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 29 जो कि अमेंडेड डॉक्यूमेंट की बात करता है। यहां पर बोला गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट अमेंड किया गया है केवल उसमें कोई मिस्टेक थी उसको करेक्ट करने के लिए या फिर उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल इंटेंशन को बताने के लिए, तो वहां पर फ्रेश स्टैंप इंपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ इंपोजिंग अ फ्रेश स्टैंप। सो दिस इज सेक्शन 29। नेक्स्ट सेक्शन 30 कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप। अब कैंसिलेशन ऑफ स्टैंप में बोला गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको स्टैंप होना जरूरी है इस एक्ट के अंदर वो फाइल किया जाएगा किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में, और तब तक वो फाइल किया जाएगा जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता। हर एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है, कोर्ट के प्रिसाइडिंग कोर्ट के ऑफिसर की ड्यूटी होती है ये कि जैसे ही उनके सामने कोई डॉक्यूमेंट आए उसको वो फोर्थविथ कैंसिल कर दें, उसके फिगर हेड पे पंच करें और जो भी पंचिंग का वो निकले बाहर उसको डिस्ट्रॉय कर दें या उसको बर्न कर दें। सो दिस इज कॉल्ड एज कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प, सेक्शन 30। नेक्स्ट सेक्शन 33 एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर विच प्रॉपर फीस हैज नॉट बीन पेड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जहाँ पर कोई फाइलिंग है या कोई एग्जिबिशन है आपके क्रिमिनल कोर्ट में, कोर्ट के किसी डॉक्यूमेंट के बारे में जिसमें प्रॉपर फीस पे नहीं करी गई है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द प्रिसाइडिंग जज, और तो वहाँ पर जो भी आपका सेक्शन 4 या 6 में लिखा हुआ है उस फाइलिंग या एग्जिबिशन को प्रोहिबिट नहीं करेगा, ठीक है, सेक्शन 4 या 6 उस पर लागू नहीं होगा। अगर कोई ऐसी क्रिमिनल डॉक्यूमेंट है जो कि नेसेसरी है जस्टिस के फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए और कोर्ट के ओपिनियन में उसकी प्रॉपर फीस पे नहीं करी गई है तो उसके ऊपर सेक्शन 4 या 6 लागू नहीं होगा। सो दिस इज सेक्शन 33। नेक्स्ट सेक्शन 34 सेल ऑफ स्टैम्प्स की बात करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगी सेल ऑफ स्टैम्प्स से रिलेटेड, और जो भी रूल्स हैं वो ऑफिशियल गैजेटे में पब्लिश किए जाएंगे। कोई एक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा उन स्टैम्प्स को सेल करने के लिए। अगर वो पर्सन डिसोबे करता है कोई भी रूल जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर बनाती है, तो या फिर किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया गया और वो स्टैम्प्स को सेल कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, 6 months की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम अप टू 6 months या फिर अप टू 500 rupees का उसके ऊपर फाइन लगेगा, और बोथ। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन 35 पार टू रिड्यूस और रेमिट फीस। ये पार किसके पास है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है कि वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करके रिड्यूस या रेमिट कर सकती है कोर्ट फीस। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन, सेक्शन 36 सेविंग ऑफ फीस टू सर्टन ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो जो भी आपका 2nd और 5th ऑफ दिस चैप्टर में दे रखा है वो हाई कोर्ट के उन कमीशन पे अप्लाई नहीं होगा विच इज पेबल टू अकाउंटेंट जनरल ऑफ द हाई कोर्ट। सो दिस इज सेक्शन 36। शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट एड वॉलरम फीस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कितनी फीस होगी। तो शेड्यूल 1 कहता है कि अगर प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, तो वहां पर प्रॉपर फीस होगी 6 annas। अगर वो 5 rupees से कम का सब्जेक्ट मैटर है, अगर 5 rupees से ज्यादा का सब्जेक्ट मैटर है, 100 rupees तक का है, तो 6 annas होगी। 100 rupees से 1000 12 annas है, 1000 से 5000 5 rupees है, 5000 से 10000 10 rupees है, और 10000 से 20000 15 rupees है। फिर 20,000 से 30,000 20 rupees है, 30,000 से 50,000 20 rupees है, एंड इन एक्सेस ऑफ 50,000 25 rupees है कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन। बाकी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो भी पजेशन होती है सूट की, तो वहाँ पर होगी हाफ ऑफ द अमाउंट, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा उसका हाफ ऑफ द अमाउंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, अगर वो 90th डे पे या उसके बाद पे होती है, तो जो भी प्लेंट या मेमोरेंडम ऑफ अपील में जो भी फीस लेवेबल है वो होगी। सो वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, अकॉर्डिंग टू मी इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द अमाउंट स्टेटेड देयर। नेक्स्ट आपका शेड्यूल 2 है जो कि फिक्स्ड फीस के बारे में बात करता है।
कुछ फीस जो आपकी फिक्स्ड हैं कुछ मैटर्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अलग अमेंडमेंट हो रखी है शेड्यूल टू की, जहाँ पर बोला गया कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट के सामने अगर आप डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं तो 2 रुपीज़ है, अगर आप लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू टेम्परली सेटल्ड है अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं 2 रुपीज़ है, जहाँ पर कॉन्जर्वेशन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनी प्लेस से रिलेटेड अगर आप म्यूनिसिपल कमिश्नर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं 2 रुपीज़ है, सिविल कोर्ट या कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में 2 रुपीज़ है, बाकी कोई क्रिमिनल रेवेन्यू कोर्ट में अगर आप ट्रांसलेशन मांग रहे हैं जजमेंट की तो 2 रुपीज़ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप दे रहे हैं तो 2 रुपीज़ है, उसके बाद कोई कंप्लेंट दे रहे हैं उन ऑफेंसेस से रिलेटेड अदर दैन द ऑफेंसेस जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं तो वहां 5 रुपीज़ है, अरेस्ट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट या फिर टेम्पररी इंजंक्शन के लिए 10 रुपीज़ है, जहां पर अटैचमेंट की कॉम्पनसेशन दिलाई जा रही है इनसफिशियंट ग्राउंड पर अटैचमेंट कर ली गई थी या टेम्पररी इंजंक्शन इनसफिशियंट ग्राउंड पर ग्रांट कर दिया गया था और वहां कॉम्पनसेशन दिलाई जा रही तो 10 रुपीज़ है कोर्ट फीस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर 20 रुपीज़ और सेटिंग असाइड या रिव्यू 5 रुपीज़, डिपॉजिट इन कोर्ट कोई भी रेंट तो 5 रुपीज़ है, कोई भी अमाउंट जो कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को पे करते हैं उसकी 2 रुपीज़ है, कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू या चीफ ऑफिसर को जो भी प्रेजेंट किया जाता है उसमें 5 रुपीज़ है। अनदर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाईकोर्ट को जब आप प्रेजेंट करते हो तो फीस 10 रुपीज़ है, 115 ऑफ सीपीसी में जब आप प्रेजेंट करते हैं हाईकोर्ट को तो 15 रुपीज़ है, ठीक है, तो 226 में 10 रुपीज़ है, आर्टिकल 226 में 10 रुपीज़ है और सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी में 15 रुपीज़ है कोर्ट फीस, फिर अपील रिविजन में 15 रुपीज़ है और हाईकोर्ट को अगर क्रिमिनल उसमें अदर देन हाईकोर्ट को अगर पेश करी जा रही है रिविजन की एप्लीकेशन या अपील की तो 10 रुपीज़ है अदर देन हाईकोर्ट, रिमेंबर अगर पॉपर की एप्लीकेशन है तो 2 रुपीज़ है, बाकी अगर केवीएट की अगर एप्लीकेशन है और उसको प्रेजेंट किया गया है तो वहाँ पर कोर्ट फीस 20 रुपीज़ है, तो अकॉर्डिंग टू मी इतना इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, यू कैन गो थ्रू द ह्यूज लिस्ट, ये मैंने छत्तीसगढ़ के अमेंडमेंट के बारे में बताया आपको शेड्यूल 2 में, बाकी जनरल की अलग कोर्ट फीस है। नेक्स्ट शेड्यूल 3 है आपका जो कि कुछ वैल्यूएशन के फॉर्म्स को प्रिस्क्राइब करता है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, नाउ लेट अस गो विद सम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शैल द कोर्ट फीस बी कलेक्टेड, तो ये स्टैम्प्स के थ्रू कलेक्ट होती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इन विच ऑफ द सेक्शंस ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट प्रोविजन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस इज प्रोवाइडेड, सो कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस इज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 7, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 7 के हिसाब से इन सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एनुइटीज या कोई भी सम जो पीरियोडिकली पे किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, वो वैल्यू कितने अमाउंट की होनी चाहिए, तो वो 10 टाइम्स होनी चाहिए, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 17 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट डील्स विद, तो ये मल्टीफेरियस सूट से डील करता है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट विच इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 19, तो इनमें से कौन सा एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो मेमोरेंडम ऑफ अपील एग्जेम्प्टेड नहीं है, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट द कोर्ट फीस एक्ट 1870 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, तो ये 1 अप्रैल 1870 को इन्फोर्स किया था, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच सेक्शन रिक्वायर्स शोइंग और एक्सपोजिंग द प्रोसेस फीस चार्जेबल फॉर सर्विस इन एग्जीक्यूशन इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो ये अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 21 में कि कौन से पे किस पार्ट में कोर्ट के जितनी भी प्रोसेस फीस चार्जेबल है वो लगाई जाएगी इंग्लिश और जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट जब कोई एप्लीकेशन रिव्यू की दी जाती है जजमेंट की और वो एडमिट हो जाती है और री हियरिंग पे कोर्ट अपना ऑर्डर अगर रिवर्स कर देता है और लगता है पुराना जो ऑर्डर था वो मिस्टेक द्वारा हो गया इन लॉ, तो एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट कौन देगा, तो कलेक्टर देता है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन विच सेक्शन ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ फीस फॉर रिव्यू हैज बीन प्रोवाइडेड, तो सेक्शन 14 में, ऑप्शन 4। सेक्शन 19 किससे रिलेटेड है, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे कोर्ट फीस नहीं पे करी जाएगी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फीस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, चैप्टर 5 किससे डील करता है, टोल्ड यू चैप्टर के टाइटल्स के बारे में बहुत पूछते हैं तो प्लीज इसकी थॉरो रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा, सो चैप्टर 5 ऑप्शन 1 मोड ऑफ लेविंग फीस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, शेयर एज मच एज यू कैन, डोंट फॉरगेट टू पिंग डाउन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।